नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा 2024 में जातीय समीकरण की, कौन सी जाति किस पार्टी के सिर सेहरा सजाएगी, खासकर ओबीसी। लिहाजा तमाम दल अभी से जातियों की लामबंदी शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में कल्याण सिंह के फॉर्मूले पर जोर देकर यूपी की सभी 80 सीटों को साधने की कोशिश की, जिसमें हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़े वर्ग पर भी खास नजर है। अखिलेश यादव की बात कीजिए तो वो भी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के जरिए प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों की नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक पर भी है। जातियों की बात कहो तो बिहार को भला कैसे अलग रखा जा सकता है। हालांकि बिहार का समीकरण अब की बार बदला हुआ है। पिछली बार जहां नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब की बार नीतीश लालू तेजस्वी के साथ हैं। यूपी और बिहार के जातीय गणित में ओबीसी वोट बैंक की खास अहमियत है। आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वोटर जिस ओर होते हैं उस ओर उसकी जीत पक्की मानी जाती है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन सवाल ये कि 24 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किधर जाने वाले हैं और बीजेपी का मंडल 2.0 ओबीसी जाएंगे किस ओर। ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उससे पहले किस तरह की बयानबाजी यहां मंडल और कमंडल को देखकर सामने आ रही है उस पर नजर डालिए। बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है और इसलिए जीतने जा रहे हैं, मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया। और देश में नरेंद्र मोदी भाजपा हटाओ देश बचाओ ये जो नारे थे, नारे क्या अब ये संकल्प हो चुका है। 30-31 तारीख को महाराष्ट्र में बम्बई में ये बैठक होने वाली है हम लोगों की, और उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि अब आगे फाइनल किया जाए हम लोग को सब लोग। ये साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही थी, अब उनको खुल के मैदान में अति पिछड़ों के, गरीबों के विरोध में आके खड़ा होना पड़ा है, और वो इनके विरोधी हैं, इस समाज के विरोधी।